हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सुबह का मौसम देख सकते हो कितना प्यारा सा हो रहा है। इतने प्यारे से सुबह के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आपका भाई सुबह सुबह जल्दी में वो भी तैयार होकर कहाँ जा रहा है अभी आपको आगे को पता चल जाएगा। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान जी आपके परिवार को हमेशा खुश रखें, आप हमेशा मुस्कुराते रहो और हंसते रहो। भाई साहब, मेरे को बस गिराए ना, मतलब यानी कि बच जाऊँ कीचड़ से। एंड आपके फैमिली में हमेशा खुशहाली बनी रहे और आप हमें हमेशा हमारे साथ ऐसे जुड़े रहो, ठीक है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग पे, देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से। अब आपको बताते हैं कि मैं तैयार होकर कहाँ जा रहा हूँ। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से हमारे गांव से लगभग कितना 15 से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, कृष्ण जन्माष्टमी का वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ का नाम है भिंगराड़ा। भिंगराड़ा हम लोग जा रहे हैं। एंड पता, अचानक ही प्लान बना हमारा, मैं 6 बजे तो उठा उस टाइम तो कोई प्लान नहीं था। अचानक ही भाई लोगों ने बोला कि भाई चलने करके, मैंने कहा चलो फिर मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। अचानक वाला प्लान है एंड जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा। बस मौसम साथ दे, अभी तो बारिश वाला हो रखा है, अभी तक बारिश लगी थी और कीचड़ देख सकते हो इतनी ज़्यादा हो रही है और अभी से मेरे शूज़ ख़राब होने लग गई है, यहीं से घर से ही देख रहे हो मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। अभी जस्ट अभी अभी बारिश बंद हो रही है और मैं छाता लेके भी नहीं जा रहा हूँ। पता नहीं आज के ब्लॉग पे क्या होने वाला करके, और आज के दिन में कुछ इस तरीके का व्यू हो रहा है। देखो इतना खूबसूरत सा व्यू लग रहा है, कसम से दिल खुश हो गया। तो जल्दी ही चलते हैं रोड पर। फाइनली हम लोग रोड पे पहुंच गए हैं और पीछे सूरज भैया। हेलो, तो कैसा फील कर रहे हो? बस यार अभी तो कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा ठंडे का मौसम हो रहा है। चलो बस मौसम साफ हो जाए। अरे धूप भी आने लगी यार, यहाँ से देखो भाई साहब धूप आने लगी यहाँ से, अच्छा हो गया। सामने डीकेज भाई की शॉप है, यहाँ पे डीकेज भाई की शॉप है, डीकेज भाई की गाड़ी। एंड डीकेज भाई कहाँ पर हमारे यहाँ पर विधायक साहब पप्पू भाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सामने गुरुद्वारा श्री रीटा साहब, फाइनली हम लोग रीटा साहब के सामने हैं। एंड हम गाड़ी से उतर गए, अब जाके सीधे मार्केट में बैठेंगे, ठीक है। कैसे गाड़ी घूम के आएगी वो हम लोग मार्केट में मिलेंगे। जल्दी जल्दी जाते हैं भाई साहब, क्या ही लग रहे हो तुम तो देखो क्या ही लग रहे हैं ये क्या ही लग रहे हैं, मज़ा आ गया सही, नमूने लग रहे हो साहब नमूने। सामने तो खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं पहाड़ों का, और इतना खूबसूरत सा व्यू हो रहा है जहाँ बारिश का होता सुबह और बारिश यहाँ पे बंद हो गई और हम लोग गाड़ी की छत में और असली मजा पहाड़ों में गाड़ी की छत में है। देख सकते हैं गाड़ी की छत में हल्का जा रहे हैं, हल्का के झटकों के साथ जा रहे हैं। माउंटेन व्यू नाम बनते हैं और सामने का व्यू काफी औसम, इतना सुंदर सा व्यू में दिख रहा है, उसके यहाँ गाड़ी की छत में अलग ही आनंद है, क्या ही बोले। आपको मेरी आवाज़ आए तो आप लोग एडजस्ट करना, व्यू काफी ऑसम हो रखा है, देख सकते हो पहाड़ों पे आपको हल्का हल्का पूरा दिख रहा होगा। और यहाँ सामने बोर्ड लगा भिंगराड़ा का, ये देख लो मन में आ रहा सही, वाह भाई क्या ही गाते हो। और सामने है भिंगराड़ा की मार्केट, तो इस बार मेला तो यहाँ पे लगेगा नहीं, शायद पूजा होगी और दूधा होगी जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा आगे, वरना यहाँ पूरी पानी लगी हुई थी दिखती आपको, पर इस बार ऐसा है नहीं। व्यू क्या लग रहा है भाई, व्यू देख लीजिए क्या ही औसम आ रखा है। इंसान ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, जस्ट हम लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और सामने ये गाड़ी चंपावत वाली और सामने सूरज भैया। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है भगवान श्री कृष्ण का, तो आपको मंदिर के दर्शन पहले करवा देते हैं, बाद में तो भीड़ हो जाएगी। गंगे की धारा, हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा।
अभी हम लोग हैं भिंडराड़ा की मार्केट पे और पीछे का व्यू देख सकते हो भाई, क्या आ रहा है यार, इतना औसम सा व्यू, क्या ही लग रहा है, क्या वैली है यार कसम से, इतने खूबसूरत पहाड़ों के पीछे बसा हुआ देख सकते हो, कितना औसम लग रहा है। सामने पूरा गाँव है, पूरा भिंगराड़ा का गाँव आता है एरिया, एंड ये पूरी मार्केट है। यहाँ पे जब मेला होता था ना पिछले टाइम तक जन्माष्टमी के समय, तो ये पूरी यहाँ पे दुकानें रहती थी। इस बार दुकानें हैं नहीं, कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, बस मंदिर पे पूजा ही होगी। कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ का है, देख सकते हो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी दिल खुश हो गया ऐसे व्यू देख के। और हमारी पूरी किस्मत भी लकी है कि मौसम ख़राब नहीं हुआ, बस जाते टाइम तक ना हो बारिश ना हो। चलो भाई साहब, सूरज भाई हमारे साथ वाले कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए हमारे साथ वाले, गायब हो गए यार। अभी हम लोग आराम से इस खूबसूरत से व्यू का लुत्फ उठाते हैं, एंड अब हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ का रामला ग्राउंड है। पहले यहाँ पर पूरी दुकान रहती थी, यहाँ भीड़ रहती थी और सामने मेला भी लगता था और यहाँ पे वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी होता था कृष्ण जन्माष्टमी के समय पे, पर इस बार तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जो रामला ग्राउंड है यहाँ का, जितना पॉसिबल होता है क्योंकि भीड़ तो यहाँ पे है नहीं। जब तक हम लोग यहाँ यहाँ आसपास का एरिया पूरा कवर करके आपको दिखाते हैं, जितना हम आपको दिखा सकते हैं मैक्सिमम उतना आपको हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, जितना हो सकता है। तो ये पूरी हम लोग अभी गलियों में हैं। जो भी भिंगराड़ा के लोग होंगे ना मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, यहाँ का नाम क्या करके, अगर मेरे को देखते हो तो, इसे जो लोग यहाँ के मेरे को देखते होंगे वो कमेंट कर सकते हैं, एंड जो नहीं देखते तो ठीक ही है क्योंकि ज़्यादा मेरे को भी यहाँ के बारे में नहीं पता है। पर व्यू काफ़ी औसम, पता है पूरा मज़ा आ गया यहाँ के आने के बाद, कुछ नया देखने को मिला मुझे भी पहली बार, एंड आपको भी फर्स्ट टाइम ही दिखा रहा हूँ, बहुत कम टाइम ही होता है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि आपको देखने को मिल रही होंगी, और ये सामने रामला ग्राउंड, यहीं पे प्रोग्राम होते थे पिछली बार तक, सॉरी पिछली से पिछली बार तक, बट इस बार कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है, देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बंद है। और ये पूरा प्रांगण है, यहाँ पे होता था, यहाँ पे रामलीला भी लगती है, जो रामलीला होती है वो भी यहाँ पे होती है, और लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं सीढ़ियों पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे पूरा आपको बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है। इस बार तो कुछ भी नहीं है, और सामने एक ग्राउंड भी है जहाँ पे वॉलीबॉल होता था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और नीचे दी नैनीताल बैंक, यहाँ नैनीताल बैंक भी यहाँ पर है, और यहाँ पर है ग्राउंड, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है तो नेट यहाँ पे लगा पड़ा है। यहाँ पे पिछली बार वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता था, बट इस बार तो कुछ भी नहीं होगा। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय गजूड़ा भिंगराड़ा छत्रपाटी चंपावत, तो ये यहाँ पे विद्यालय है और यहीं पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता था, बट इस बार तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हम लोग हैं विद्यालय के ग्राउंड पे। अगर आपको हमारे आज वीडियो पसंद आ रही ना, वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों का शेयर करना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे कि मैं आपको अपने पहाड़ की ऐसी वीडियोस दिखाते रहूँ अपने चैनल के माध्यम से। और अभी कुछ टाइम बाद पता है आपको डोला उठेगा, वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 11 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 9, यानी कि 2 घंटा हम लोगों ने वेट करना है। तो मैंने सोचा जब तक हम लोग खाली हैं तो आपको आसपास का एरिया दिखा देते हैं। यहाँ पर है मदन सिंह महराना सरस्वती विद्या मंदिर भिंगराड़ा चंपावत, और ये सामने नैनीताल बैंक, और आगे भिंगराड़े की मार्केट, कुछ इस तरीके का व्यू है। अभी हम लोग नीचे से ऊपर को आ रहे थे, थोड़ी बहुत आपको मेरी आवाज़ पे लग रहा होगा कि थकावट सी ना, तो ऐसा कुछ हो रखा है। अभी हम लोग के जंगल पे देख सकते हो, चारों ओर चीड़ का जंगल है, और यहाँ से ये वाली रोड जाती है भिंगराड़ा रीटा साहिब होते हमारे गांव के लिए, और यहाँ से आती है, कहाँ से ये आती है, लोहाघाट से। तो ये कुछ बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो रीटा साहिब के लिए सीधे आगे को रोड है आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, और धुनाघाट पीछे है मेरे, और खरही के लिए ये वाली रोड है। तो अभी आमा, एक आमा मिली थी, आमा से हमने बोला यहाँ पे आसपास में क्या है देखने के लायक, तो आमा ने बोला कि आगे शिव मंदिर है करके, यानी कि खरही वाली इस वाली रोड पे। पहले हम लोग लोहाघाट वाली रोड पे जा रहे थे, तो लोहाघाट वाली रोड पे भी एक शिव मंदिर है, तो पहले हम लोग वहाँ जा रहे थे, फिर आमा ने बोला एक मंदिर यहाँ है जहाँ से डोला उठेगा, यानी कि डोली उठेगी, तो हमने कहा चलो इधर को ही चल रहे, नई चीज़ देख लेंगे, आसपास का गाँव देखने को मिल जाएगा, नई वैली आपको दिखा देंगे, हम तो खुद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और आगे सूरज भैया और मामा जी हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप लोग इन्जॉय कर रहे होगे हमारे साथ,
देख सकते हैं अभी बस हम लोग सीधे घूम ही रहे हैं और मौसम भी बहुत प्यारा सा हो रहा है, काफ़ी औसम सा देख सकते हो। तो प्यारा सा व्यू हो रखा है, व्लॉगिंग करने में पूरे मजे आ रहे हैं। और जो मतलब नेचर से जो लोग प्यार करते हैं उनको तो अच्छी लगी रही होगी क्योंकि पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई वीडियो है ये। चलिए एंजॉय करिए वीडियो को आप लोग। ये आप जो सामने गांव देख रहे हैं ये पूरा खरही का है, पर मुझे कंफर्म नहीं है खरही का पूरा एरिया आता है। इसमें एक तल्ली खरही होगी, मल्ली खरही, यानी कि नीचे वाले खरही को तल्ली खरही बोलेंगे, ऊपर वाली को मल्ली खरही। और सामने पूरा भिंगराड़ा है, कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ का हो रखा है। थोड़ा आपको आगे जाके और दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं बस रोड बाई रोड। जरा दीदी से पूछते हैं गाँव का नाम क्या है। दीदी यहाँ नाम की वह बैज गो। अच्छा खरही है ना वह। अच्छा खरही तल्ली उल्ला डर ने उल्ला डर गया ने। अच्छा बैज गो। अच्छा अच्छा जैसे कि आपको दीदी ने बताया कि यहाँ का नाम बैज गाँव है, सॉरी खरही नहीं है, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो खरही थोड़ा आगे से दिखेगा, आपको आगे से दिखाते हैं खरही भी, जितना पॉसिबल हो पाता उतना तो आपको दिखाते ही आस पास के गाँव। और भाई साहब सामने का व्यू कितना मस्त लग रहा ना, वाला बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल वाली रेंज है उस सामने, बिल्कुल वाली रेंज है। और यहीं से पहाड़ी पार करने का लोहाघाट दिखता है, जाता है मतलब लोहाघाट आ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या ही व्यू लग रहा है यार, मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है, बादल इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और सामने पहाड़, और अभी हम लोग टॉप पे हैं, पूरा बैज गांव का व्यू। एंड सामने ये वाला एरिया हुआ खरही का, यहाँ से आपको आगे वाला गाँव दिख रहा है। थोड़ा इधर से दिखाते हैं, यहाँ पर लिख रखा है देखो बैज गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं आपको जरा आगे जाके दिखा देता हूँ। और सामने यहाँ पर घर, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे, देखो चारों ओर फूल ही फूल हैं यार, ऐसे फूल हो तो ऐसे हो। और ये सामने बैज गांव का बोर्ड है, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग को जाना है रोड से नीचे को, मंदिर नीचे है वल। और जो खरही का गांव है ना, तो एक दादा से पूछा हमने, खरही का गांव ये वाला है, मल्ली खरही करें ये यहाँ पे, और तल्ली खरही शायद नीचे है। तो दिखाते हैं अगर पॉसिबल हो पाता था ऐसे दिखेगा तो। और रास्ते कुछ इस तरीके के हैं बैज गाँव के, और ये वाला होगा तल्ली खरही, और यहाँ पर मंदिर का थोड़ा बहुत पोर्शन दिखने लगी है, अगर आपको दिख रहा है तो हल्का हल्का टॉप व्यू, कुछ जरा वहीं जाके दिखाते हैं। और काफ़ी सुंदर व्यू, और रास्ता यहीं से हुआ है यहाँ से, अब कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया है, उधर ही से होगा, कंफर्म करें तो रास्ता ये वाला है। पीछे भैया आते हैं, उनसे पूछा हमने, तो इस रास्ते से हम लोगों को जाना है। आपको मिलते हैं मंदिर पे, और सामने आपको जो गांव दिख रहा है पूरा खरही का है। अम्मा नमस्कार, ठीक छा अम्मा, कति दूर जन्ने अम्मा, कति दूर जन्ने अम्मा। अच्छा अम्मा देखो, अम्मा जा रही है पानी के पास, देखा इतने वृद्ध होने के बाद भी अम्मा अभी भी चल रही है। और पीछे सूरज भैया और हमारे मामा श्री छोटे वाले, जल्दी जल्दी चलते हैं मंदिर पे, उसके बाद जाके मिलेंगे आपसे। ये वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए व्यू और सामने मंदिर, तो ये रहा सीधे शिव मंदिर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये शायद बैज गांव में ही मंदिर होगा जहाँ तक है, क्योंकि खरही तो नीचे नदी के पार है, तो ये बैज गांव में मंदिर है, बट मेरे को कन्फर्म नहीं है। जो लोग यहाँ के हैं लोकल के, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी पता चल जाएगा कि मंदिर कौन से गांव पे है करके, या बैज गांव पे होगा या फिर होगा खरही पे। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। ये सामने है खरही, और यहाँ पर है भगवान शिव का मंदिर, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वे कार्य अभी प्रगति पे है, कुछ टाइम बाद ये और सुंदर हो जाएगा। यहाँ पर लधनदुरा, यहाँ पे एक गांव का नाम है, वहाँ से यहाँ पे डोला आता है, यानी कि डोली आती है शिव जी की, ठीक है। और एक मैंने मंदिर आपको पहले दिखाया जो कि आगे है वहाँ पर, वो मंदिर है ग्राम देवता का, यानी कि लोकल का मंदिर है। तो अभी गूगल में बता रहे थे यहाँ के बारे में। अभी हम लोग आगे फिर से चीड़ के जंगल पर, और सामने रोड आपको दिख रही है, ये रोड जाती है लोहाघाट के लिए। और पीछे मामा जी सूरज भाई और डिगेश भाई। Hello. तो डिगेश भाई मार्केट में थे, आए नहीं हमारे साथ, पहले हम लोग खरही वाले वहाँ पे गए, उसके बाद आपको हमने आपको खरही का मंदिर दिखाया, शिव मंदिर, और जो ग्रामीण मंदिर था, और एक शिव मंदिर
सामने भी है, यानी कि ये लोहाघाट वाले रोड पे हमें हमेशा आते जाते दिखता है ना, जब भी मैं लोहाघाट जाता हूँ तो दिखता है। मैंने कहा चलो आज यहाँ आ रखे हैं भिंगराड़ा, तो वहाँ भी चले जाते हैं। ये जो मंदिर है, जो भिंगराड़ा की मार्केट है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास होगा, और 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग पैदल जा रहे हैं रोड बाई रोड। और अभी हम लोग पता कितना गए, जो खरेही वाला मंदिर था वो भी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर था, उतना ट्रैक हमने वो किया, इतना ही है, यानी कि 3.5 किलोमीटर का ट्रैक हमारा हो गया है। हम लोग यही बस टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि यार कब 12 बजे के बाद यहाँ पे डोली उठेगी, तब तक हम लोग आसपास के एरिया ही देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जो आप लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की डोली यहाँ पे जा रही है और इतने सारे लोग हैं, ये सब वीडियो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होता है इसलिए हम इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों का शेयर करना, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे कि मैं आपको अपने पहाड़ से जोड़े रहूं और ऐसी वीडियोस दिखाते रहूं। तो हम आपको मिलते हैं एक अगली वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।